मैं डॉक्टर पुनीत अग्रवाल हूँ, आगरा में पिछले 40 सालों से एज ए लेप्रोस्कोपिक सर्जन, एज ए लेजर सर्जन अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। क्या आप अपना या अपने किसी सगे संबंधी का गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन कराने जा रहे हैं? अगर ऑपरेशन कराने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपके मन में ये सवाल उठता है कि हमको किस तरह का ऑपरेशन कराना चाहिए, दूरबीन वाला, लेप्रोस्कोपिक विधि द्वारा या चीरे वाला या लेजर द्वारा। आज इसी सब्जेक्ट पर मैं आपसे बात करूंगा और आपको डिटेल में बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन्हीं सब फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करें जिनको शायद इसकी ज़रूरत है। गॉल ब्लैडर या पित्त की थैली का ऑपरेशन एक बहुत ही कॉमन ऑपरेशन है। आजकल आधुनिकतम तकनीक लेप्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि द्वारा हम इसका ऑपरेशन कर रहे हैं, जो कि आधुनिकतम तरीका है और अब तक की सबसे बेस्ट टेक्निक है। चीरे, क्या हमको चीरे वाला ऑपरेशन कराना चाहिए? चीरे वाला ऑपरेशन अब ऑब्सलीट हो चुका है, उसको हम नहीं करते हैं। केवल उन्हीं परिस्थितियों में चीरे वाला ऑपरेशन हम करते हैं जबकि दूरबीन वाला ऑपरेशन संभव ना हो। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं जबकि दूरबीन वाला या लेप्रोस्कोपिक विधि वाला ऑपरेशन संभव नहीं होता है, तब हम चीरे वाला ऑपरेशन करते हैं। अपनी प्रैक्टिस में 99% ऑपरेशन मैं इस समय लेप्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि द्वारा कर रहा हूँ। इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। अब आप पूछेंगे कि इसके क्या-क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो यह है कि इसमें चीरे बहुत कम लगता है। जो चीरे वाला ऑपरेशन है उसमें कम से कम 5-6 सेंटीमीटर से लेके 10 से 15 सेंटीमीटर तक का चीरा दिया जाता है। जब इतना बड़ा चीरा लगता है तो उसमें ब्लड लॉस ज़्यादा होता है। लैप्रोस्कोपिक विधि में जो दो कट्स होते हैं छोटे छोटे, वो 1 सेंटीमीटर के होते हैं और जो दो कट्स होते हैं वो 5 मिलीमीटर के होते हैं। तो इतने छोटे छेद होने की वजह से बिल्कुल भी ब्लीडिंग नहीं होती है। ऑपरेशन के बाद में लेप्रोस्कोपिक विधि में, क्योंकि बहुत छोटे छोटे छेद से होते हैं, दर्द ना के बराबर होता है। चीरे वाले में कंपेरेटिवली दर्द ज़्यादा रहता है। चूँकि बहुत छोटे छोटे छेद रहते हैं इसलिए इनमें इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। बड़े चीरे में कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है। जो लेप्रोस्कोपिक विधि है उसमें मरीज़ की रिकवरी बहुत फास्ट होती है, क्योंकि चीरा नहीं लगा होता है और 1 या 2 दिन में हम छुट्टी कर देते हैं। जो मरीज़ है वो बहुत जल्दी अपने काम पर वापस आ जाता है और अगर ऑफिस में जा रहा है या अपने प्रोफेशनल है तो अपने काम पर बहुत ही जल्दी अपना दोबारा कार्य शुरू कर सकता है। और जो गृहिणियाँ हैं वो अपने घर में बहुत जल्दी काम शुरू कर सकती हैं। तो नो डाउट अब ये कोई सवाल रह ही नहीं गया है कि हमको कौन सा ऑपरेशन कराना चाहिए। हमको दूरबीन वाला ऑपरेशन ही कराना चाहिए, इसमें कोई भी संदेह अपने मन में न लाएं। अब एक सवाल ये मुझसे लोग पूछते हैं, डॉक्टर साहब क्या आप हमारा ऑपरेशन लेजर से कर रहे हैं? इसके बारे में मैं आपको सावधान कर देना चाहता हूँ, दुनिया में कहीं पर भी इस समय गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन लेजर से नहीं हो रहा है। जो आपको इस तरह का कह रहे हैं, इस तरह की झूठी दिलासा दे रहे हैं, तो समझ लीजिए ये एक झूठ के अलावा और कुछ नहीं है। कभी-कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि दूरबीन वाला ऑपरेशन संभव नहीं होता है और ये संभव नहीं होता है जबकि गॉल ब्लैडर में बहुत ज़्यादा सूजन आई हुई हो, जिसको हम एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस कहते हैं, जिसमें मरीज़ के बहुत तेज़ दर्द होता है, बुखार भी आ सकता है, उल्टी आ सकती है, या गॉल ब्लैडर के अंदर पस पड़ गया हो, एम्पाइमा, तब भी हमको चीरे वाला ऑपरेशन करना पड़ता है।
अगर लिवर में इन्फेक्शन हो गया हो, सिरोसिस जिसे बोलते हैं, या पोर्टल हाइपरटेंशन हो गया हो, तब भी चीरे वाला ऑपरेशन इसमें हमको कराना चाहिए। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा मोटा है, बहुत ज़्यादा मोटापा है, तो मोटापे में भी चीरे वाला ऑपरेशन कंपैरेटिवली सेफ रहता है। अगर प्रेगनेंसी है पेशेंट को, प्रेगनेंसी टाइम में भी दूरबीन वाला ऑपरेशन हम सलाह नहीं देते हैं। हर एक ऑपरेशन में कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जो कि किसी भी ऑपरेशन के होते हैं। ब्लीडिंग हो सकती है, या आसपास के जो अन्य अंग हैं जैसे सीबीडी या स्टमक या ड्यूडनम, उसमें इंजरी हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, जो हम मरीज़ को बेहोश करते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट हैं। साइड इफ़ेक्ट तो दोनों में ही रहते हैं, चाहे हम चीरे वाला कराएं, चाहे हम दूरबीन वाला कराएं। तो साइड इफ़ेक्ट्स की आप चिंता मत करिए, और दूरबीन वाले ऑपरेशन को अपना चुनिए। अपनी जो आपकी सही सलाह है वो दूरबीन वाला या लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन है। कई मरीज मेरे पास आकर पूछते हैं कि साहब, ये आप लेप्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से जब ऑपरेशन कर रहे हैं तो इसमें हम गैस भरते हैं, तो हमको गैस बनने की संभावनाएँ क्या इसमें बनी रहेंगी? इस बारे में मैं आपको बहुत क्लियर कर दूँ कि महिलाओं में जब महिला नसबंदी के ऑपरेशन होते हैं तो उसमें हम गैस भरते हैं, लेकिन ऑपरेशन के बाद, चाहे नसबंदी का ऑपरेशन हो, चाहे पित्त की थैली का ऑपरेशन हो, ऑपरेशन के बाद हम सारी गैस पेट में से निकाल देते हैं। जो मरीज हैं या लोकल डॉक्टर्स हैं, वो कोई भी अगर परेशानी होती है ऑपरेशन के बाद मरीज़ को, तो वो उसको गैस से जोड़ देते हैं कि आपके पेट में गैस भरी गई थी, इस वजह से आपको परेशानी हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसी अफवाह केवल वो डॉक्टर्स या वो लोग उड़ाते हैं जिनको दूरबीन विधि द्वारा ऑपरेशन नहीं करना आता है, या उनके यहाँ ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। सबसे एंड में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, आप उस सर्जन का चुनाव करिए जो लेप्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से ऑपरेशन कर रहा हो। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम जिस अस्पताल में जा रहे हों या जिस शहर में जा रहे हों, वहाँ पर हम विधि का चुनाव नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने सर्जन का चुनाव कर सकते हैं। अगर आपके पास चुनने का माहौल नहीं है, तब आप अपने सर्जन से पूछिए कि मेरे लिए क्या उचित रहेगा और वो क्या कर सकते हैं, और जो उनको सेफ़ लगे और जो अच्छा लगे वो ऑपरेशन करवाइए। कभी भी अपने सर्जन के ऊपर प्रेशर मत डालिए कि आपको इसी विधि से ऑपरेशन कराना है, ये उचित नहीं है। चीरे वाला ऑपरेशन भी हम आजकल भी करते हैं, कभी कभी हमको करना पड़ता है, और हमने सालों उससे ऑपरेशन किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑपरेशन की विधि ख़राब है, वो ऑपरेशन की विधि भी बहुत अच्छी है, बस जो दूरबीन वाली विधि है वो उसमें रिकवरी बहुत जल्दी होती है। जैसी परिस्थितियाँ हो उसके हिसाब से डिसीजन लीजिए, ख़राब कोई भी विधि नहीं है। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहें तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9837144287। थैंक यू।